नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। लेमन टी यानी कि नींबू चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। खासतौर से नींबू चाय में विटामिन सी होता है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेमन टी दिन में 2 से 3 बार पीना ठीक है, इससे ज्यादा इसका सेवन ठीक नहीं। इसे बनाना तो बेहद आसान है। सबसे पहले पानी उबालें। अब जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती, नींबू का रस और अदरक डाल लें। आपको इसे मीठा बनाना है तो उसमें शहद भी डाल सकते हैं। इसे आप सुबह के अलावा शाम को भी पी सकते हैं, चाहे तो कोल्ड लेमन टी भी पी सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इसे गर्मी के मौसम में ही पिए। लेमन टी से शरीर में ऊर्जा आती है, ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। साथ ही इसमें साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसके ज्यादा इस्तेमाल से दांतों को नुकसान हो सकता है। अगर आप वजन घटाना चाहती हैं तो लेमन टी में शहद जरूर मिलाएं। वहीं ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण भी इसमें मौजूद होते हैं। साथ ही ये वेन्स यानी कि धमनियों में खून का थक्का बनने से भी रोकता है, जो आपके हार्ट अटैक का खतरा कम करता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें मौजूद पॉलीफेनॉल कैंसर से लड़ने में भी मददगार होता है। ये पेट की पाचन क्रिया को ठीक करता है, साथ ही आपके डायबिटीज के खतरे से भी आपको बचाता है। वहीं लेमन टी के नियमित इस्तेमाल से स्किन जवां बनी रहती है, एंटी एजिंग के तौर पर भी ये काम करता है। वहीं आपको बता दें कि इसके फायदे तो कई हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। खाली पेट कभी भी लेमन टी ज्यादा ना पिए, इससे पेट में गैस बनती है। नींबू चाय अधिक पीने से ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी हो सकती है। अगर अल्जाइमर की परेशानी है तो इसका सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।